वेलकम फ्रेंड्स, फूड लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका आज आपके साथ थ्री कलर्ड सैंडविच बनाने वाली हूँ, मेयोनीज और चीज के साथ। ये देखिए, हम आज ये सैंडविच बनाएंगे तो हम इसे बनाना शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। छह ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं हमने। दो बड़े आलू हमने बॉईल करके मैश कर लिए हैं। हम सैंडविच थ्री लेयर में बना रहे हैं, थ्री कलर में। तो हमने मेयोनीज ली है 2 चम्मच, 2 चम्मच हमने टमाटर सॉस लिया है, 3 चम्मच हमने ग्रीन चटनी ली है। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आधा 1/4 हमने जीरा लिया है, 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/4 लाल मिर्च, आधी हरी मिर्च और ज़रा सा धनिया लिया है, स्लाइड अनियन लिए है हमने, और थोड़ा सा हमने चीज़ लिया है, और 2 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल लेंगे। सबसे पहले हमने ऑयल गरम होने रख दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, हम जीरा ऐड कर देते हैं इसमें। भुनने लगा है, इसी के साथ हम इसमें आलू डाल देंगे। अब इसमें हम नमक, लाल मिर्ची और हरा धनिया, हरी मिर्ची हम एक साथ ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। ये देखिए, हमारे आलू जो है पूरे हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेते हैं, इसे ज़्यादा हमें कुछ फ्राई नहीं करना था। हल्का सा हमने इसे फ्लेवर के लिए हमने इसे एक तड़का लगाया है बस। अब हमने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, इस पर हम सबसे पहले ग्रीन चटनी लगाएंगे। अब इस पर हम आलू का मिक्सचर रखेंगे, इस तरीके से अच्छे से फैला लें आप। अब इस पे हम चीज़ ग्रेट कर देते हैं, इस तरीके से। इसके ऊपर हम एक ब्रेड रखेंगे, उसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इसके ऊपर हम मेयोनीज लगाएंगे। मेयोनीज के बाद इस पे हम अनियन लगा देंगे, और इसके ऊपर हम फिर थोड़े से ही आलू रखेंगे बिल्कुल। और अपनी लास्ट ब्रेड पे हम टमाटर सॉस लगा देंगे इस तरीके से, और इसको हम इसके ऊपर बंद कर देंगे, इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया। इसको आप ग्रिलर में या फिर आप इसे तवे पे भी टोस्ट कर सकते हैं। हम इसको तवे पे टोस्ट करेंगे। तवे पे आप हल्का सा ऑयल या बटर डाल दें, और इस सैंडविच को इस तरीके से आप रख दें इस पर, और अच्छे से इसको इसको एक बार हम टर्न कर लेते हैं। ये देखिए, काफी अच्छा क्रिस्प हुआ है। ये साइड से भी हम इसे क्रिस्पी सा कर लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्प हुआ है ये। इसको हम निकाल लेते हैं, और इसको अब हम कट कर लेंगे। ये देखिए, काफी ब्यूटीफुल लेयर आई है हमारी, ग्रीन की, वाइट की, रेड की, और काफी क्रिस्प हुआ है। देखिए, बहुत ही प्यारा सैंडविच बना है हमारा। अब इसकी हम एक प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा थ्री कलर्ड
सैंडविच तैयार हो चुका है, हमने इसे चाय के साथ सर्व किया है। ये फुल ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई करें। हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी है। लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।